हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंदुवाला आइडियाज़। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कैसे मैंने अपने जो मेरे पास पुराना दीवान सेट था उसको रीयूज़ करके, तो कुछ मैंने देखिए यहाँ पे बेड के लिए सिरहाना बनाया, बेड हेड बनाया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको मैंने एक साइड से, इसकी जो लंबाई की साइड से मैंने इसको एक पट्टी निकाल ली, और यहाँ पे मैंने ये पट्टी निकाली है फ्रेंड्स, 12 इंच की चौड़ाई की निकाली है, 12 इंच की चौड़ाई इसके लिए है पट्टी की। और फिर इसको लंबाई की साइड से निकाल दिया मैंने। तो और निकालने के बाद फिर मैंने इसको बचे हुए को सिलाई करके रख दिया, ताकि मैं नेक्स्ट कभी मुझे यूज आए तो ये अच्छे से सेफ मिल जाए। तो देखिए मैंने इसको फिर साइड में नेक्स्ट DIY के लिए रख लिया। कभी भी करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे ये मैंने रेडी कर दिया इसको, 12 इंच की पट्टी जो निकाली थी वो, और 12 इंच की फिर मैंने वेलवेट का कपड़ा ले लिया, और जो इसके ऊपर लेस लगी हुई थी वो उसके बीच में सिलाई को लगा दिया उसके ऊपर से। और फिर दूसरी साइड में फ्रेंड्स ये देखिए मैंने क्या किया कि मेरे पास सलवार का कपड़ा रखा हुआ था, हम सूट सलवार रहते हैं पूरा, उसमें सूट का कपड़ा तो हमारे काम में आ जाता है कुर्ती बनाने के लिए, बट सलवार का कपड़ा रखा रह जाता है। तो उसको मैंने इस यूज़ में लिया। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ये तो पहले मैंने दोनों को जोड़ लिया, वेलवेट के कपड़े को और जो मैंने दीवान सेट का कट किया था उसको। और जो फ्रेंड्स ये मेरे पास जो सलवार का कपड़ा था, इसको मैंने क्या किया कि मैंने कट कर लिया, दो दो हिस्से बना लिए। इसके ऊपर का हिस्सा तो मैंने 8 इंच की पट्टी ली है, और बाकी का हिस्सा नीचे जितना था वो ये ज़्यादा कपड़ा नीचे वाले हिस्से में ले लिया, ताकि जब हम इसके अंदर कुशन लगाएं तो इजीली हम इसके अंदर लगा सकें। अगर दोनों हिस्से बराबर लेते तो कुशन इसके अंदर है, मतलब जो मेरी गद्दी थी उसको रखने में, इसके अंदर लगाने में मुझे थोड़ी परेशानी होती, इसलिए मैंने ऊपर का हिस्सा छोटा कट किया और फिर नीचे वाले हिस्से को बड़ा रखा। तो इस तरह से देखिए, और फिर मैंने इसके की मतलब देखिए इस तरह से हम इसकी गद्दी को इजीली हम ऐसे करके फोल्ड करके इसके अंदर लगा देंगे और ये एकदम सेट हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से मैंने लगा दी, और इसके मैंने ये डसें भी लगा ली। अब ये लगाने के बाद इसको बांध देंगे। आप चाहें तो फ्रेंड्स यहाँ पे जिप लगा सकते हैं, या फिर आप बटन्स भी लगा सकते हैं, या फिर हुक लगा सकते हैं। तो इस तरह से फिर ये लगा देंगे, और ये देखिए मैंने सारे इसी तरह से तैयार कर लिए। और ये कुछ मेरे पास सूट का कपड़ा बचा हुआ था वो भी लगा दिया, और ये देखिए मेरा सलवार का कपड़ा था वो भी लगा दिया। तो इस तरह से करके मैंने तीनों एक जैसे रेडी कर लिए। और लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बच्चों के बेड के सिरहाने पे लगा दिया, क्योंकि ये बेड एकदम प्लेन था, तो इसका सिरहाना बनाने के लिए और कुछ ये टेडी वगैरह कुछ मेरे DI वगैरह और भी इसके ऊपर मैंने रख दिए, और इस तरह से ये रेडी हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स सेकेंड वाला मैंने, मेरे पास पिल्लो कवर रखे हुए थे जो कि अभी मेरे मतलब बेडशीट के साथ में मैं कम यूज़ कर रही थी, और मुझे मेरे पास चेयर थी तो उन पे यूज़ करने थे। तो देखिए उसके लिए मैंने यहाँ पे 4 इंच ये मेरी चौड़ी पट्टी कट कर ली। आप चाहें तो थोड़ी बड़ी लेनी हो तो 4, नहीं तो 3 अच्छी रहेगी। और उसके बाद फिर उसको पिको कर लिया, और जो अंदर वाला हिस्सा था उसका क्या किया मैंने, कॉर्नर पे रखा, और फिर मैंने ये जिगजैग सिलाई से इसको लास्ट तक ऐसे सील दिया। और देखिए ये मेरी चेयर है, गार्डन चेयर है, और इसके ऊपर ये पहले ऐसे पिल्लो कवर, जब फ्लेयर के बगैर ये जो लगा झालर के बगैर तो ऐसे रखने में ऐसा दिख रहा था, लेकिन इसको थोड़ा मतलब अच्छा दिखाने के लिए इसके ऊपर मैंने झालर लगाई। तो झालर लगने के बाद फिर ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो ये देखिए चेयर ऐसे, ये जो गार्डन चेयर हैं ये ऐसे, अगर हम ऐसे बगैर कुशन वगैरह के रखेंगे तो थोड़ी अंदर रखी हुई मतलब अच्छी नहीं दिखेंगी, इसलिए थोड़ा सा इनको डेकोरेट करके रखेंगे तो ये रखने दिखने में भी अच्छी दिखेंगे, और हमारे एक बैठने में भी हमें अच्छे रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक मेरा इस तरफ तो जो बगैर झालर का जो मैंने पिल्लो कवर रखा हुआ है वो, और दूसरी तरफ जो मैंने झालर लगा के, वह तो दोनों में कितना डिफरेंट लग रहा है फ्रेंड। देखिए उनमें दोनों में काफ़ी डिफरेंस लग रहा है, तो इसलिए करके मैंने सोचा चलो इनको थोड़ा सा झालर लगा के और रखा जाए। और फ्रेंड्स ये मैंने थोड़ा सा मतलब 6 इंच पिल्लो कवर अंदर की तरफ मोड़ के और फिर उसमें झालर लगाई है, पूरे पे झालर नहीं लगाई। पिल्लो कवर लंबा रहता है और चेयर पे थोड़ा सा स्क्वायर में बनाना था, इसलिए ये 6 इंच पिल्लो कवर मैंने आउटर में छोड़ दिया और बीच से झालर लगा दी। तो इस तरह से ये एक, ये फ्रेंड्स मेरे चेयर के लिए गद्दियों के सेट बन के रेडी हो गए। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे देखिए ऊपर जो रख रखे हैं वो, जो दीवान के साथ में कुशन आए थे वो उनको गद्दियों में डाल के लगाया हुआ, और ये यहाँ पे जो प्लांटर दिख रहे हैं आप पीछे वाला, ये भी मेरा एक DIY है। इसमें मैंने क्या कि पेंट करके इसको डिज़ाइन बनाया हुआ है, और ऊपर जो मैंने प्लांट की मोजटिक है वो भी मैंने बनाई हुई है।
तो इस तरह से हम छोटे छोटे DIY से घर को डेकोरेट कर सकते हैं फ्रेंड। तो देखिए थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाले में फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेरे ऊपर आप जो कपड़ा देख रही हैं सलवार का छोटा बचा हुआ पीस था, और इसको मैंने दो हिस्से किए और बीच में जिप लगा दी इसके, और फिर इसको रख लिया। फिर नेक्स्ट ऊपर वाला जो देख रही हैं ये ब्लाउज़ का पीस था, और इसको मैंने ये जो ऊपर लेस देख रही है ये मेरे पुराने सूट का बॉर्डर था उसका लगा दिया। और जो ये कपड़ा देख रहे हैं ये देखिए यहाँ पर मेरे ब्लाउज़ का ही छोटा कपड़ा बचा था, तो उसकी डबल करके मैंने साइड से फ्रिल निकाल दी, झालर बना दी छोटी, और फिर इस तरह से दोनों कपड़ों को उल्टा रख के और फिर सिलाई मार दी चारों तरफ से, बीच में इसको झालर को रख के इसके साथ में ही सिल दिया। तो इस तरह से ये एक अच्छा सा मतलब ब्राइट कलर में मेरा पिलो कवर बन के रेडी हो गया। सो फ्रेंड्स आज के ये मेरे कुछ DIY और कुछ टिप्स आपको कैसे लगे होम डेकोरेट करने के लिए, अगर अच्छे लगे हों तो आप ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।